नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णी अर्बन नक्सल और मैं एक रिव्यू करने जा रहा हूं देविका सदर बाजार बाजार नाम का एक रेंट बैक कमर्शियल प्रोजेक्ट का। ये कमर्शियल प्रोजेक्ट बड़ा अजीब है, भयंकर है, हर तरह के अजूबा हैं इसके अंदर और मैं आपको एक 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 अजूबा करके दिखा रहा हूं और मैं थक जाता हूं, मैं थक जाऊंगा अजूबा दिखाते दिखाते, ये वीडियो ख़त्म नहीं होगा। आपके लिए एज अ फ्लैट बायर, एज एन इन्वेस्टर, एज अ प्रॉपर्टी बायर, चाहे आप शॉप में प्रॉपर्टी यानी इन्वेस्ट करना चाहते हो या पैसे डालना चाहते हो या पैसे कमाना चाहते हो या किसी भी तरह के आप सपने देखते हो, आपका फाइनेंशियल प्रोफाइल जैसा भी हो, जो भी हो, आपके इरादे जैसे भी हों, जो भी हों, ये जो प्रॉपर्टी है देविका सदर बाजार आपके लिए एक शब्द में कहूं तो जहर है। और अगर इस चीज को आप इसमें पैसे डालोगे तो मेरा 100% गारंटी है कि आपके पैसे डूबेंगे। इनके पैसे बनेंगे, ये कंपनीज के पैसे बनेंगे, आपके पैसे डूबेंगे, 100% गारंटी से कह रहा हूं, दावे से कह रहा हूं, क्योंकि उन्होंने पूरा प्लान बना रखा है और मैं प्लान को आपके सामने एक एक उसके पत्ते खोल के दिखाऊंगा कि ये प्लान कैसे बना रखा है। खतरे की घंटियां इतनी है कि ठन 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 हर जगह से खतरे की घंटियां बज रही है। उनका पेपर वर्क ऐसा है, ऐसा घटिया पेपर वर्क है, ऐसा गंदा पेपर वर्क है, रेरा को कुछ और कह रहे हैं, आपको कुछ और कह रहे हैं। दोस्तों इसे देख के मुझे बहुत सारे कॉमेडी पिक्चर्स याद आते हैं, गोविंदा और अनिल कपूर के ऐसे यू नो कॉमेडी मूवीज हुआ करते थे, घर वाली बाहर वाली ये टाइप के मूवीज हुआ करते थे, जहाँ पे वो बंदा दो औरतों के साथ रह रहा है, दोनों से शादी कर लिया है, दोनों के साथ सेम बिल्डिंग में रह रहा है, कभी ऊपर के फ्लोर पे जाके रह के आता है, कभी नीचे आके रह के आता है, और दोनों को पता नहीं चलता है कि वो एक बंदा दोनों का पति है। वो पूरा ड्रामा करके रखता है और एक के सामने वो एक नाम से उसका नाम है, दूसरे के सामने कोई और नाम से उसको पुकारा जाता है। ये टाइप का जो सिचुएशन है देविका सदर बाजार में आपको देखने को मिलेगा। यानी आप अगर देविका सदर बाजार में इन्वेस्ट करते हो तो दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो और माथे पे ऐसे लेबल लगा रहे हो, मैं चूतिया हूँ, स्टैंप लगा रहे हो क्वालिटी में, ए ग्रेड का चूतिया हूँ। और अगर ऐसा काम करोगे दोस्त, ऐसे टाइप के अग्रीमेंट्स, ऐसे टाइप के पेपर वर्क आप साइन करके आओगे तो आपको कोई नहीं बचा सकता। देविका सदर बाजार, पहले आप गूगल करके देख लीजिए आपको क्या क्या मिलता है। मैंने रेरा के पेपर्स भी डाउनलोड करके देख लिए, मैंने उनका ऑफ़र बाज़ार में जो घूमता है वो ऑफ़र भी पढ़ लिया है, उनके एप्लीकेशन फॉर्म टाइप के पेपर्स किसी भी नाम से बुलाए जाएं, बहुत कम कन्फ्यूजिंग पेपर वर्क है, बाज़ार में घूम रहे हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं देविका सदर बाज़ार के, और उनका कहना ऐसे है कि भाई आप ये चीज़ में पैसे लगाओ, छोटा अमाउंट डालो, 24-26 लाख डालोगे तो आप 100 महीने में यानी कि 8-8.5-9 साल तक कवर कर लोगे और उसके बाद आपकी कमाई है तो चांदी चांदी है। ये टाइप के गणित वो आपको गिना रहे हैं, वो आपको गारंटीड रिटर्न्स की बात करते हैं, 12% का गारंटीड रिटर्न्स कहते हैं। पहले पहले आपको 12% देंगे, 12% पर एनम रिटर्न्स देंगे हम, गारंटीड रिटर्न्स, उसके बाद हम 9% पर एनम गारंटीड रिटर्न्स देंगे और उसके बाद वो आपकी बजाएंगे, ये उनका दावा है। मैं तो उनके दावे से भी बढ़कर कह रहा हूँ, उनका बजाना तो डे वन से शुरू हो सकता है, वो आपको बजाएंगे जिस दिन से आप पैसे ले लोगे ना, पैसे दे के आओगे ना उनको, जिस दिन से आप टोकन बुकिंग अमाउंट दे के आओगे ना, उस दिन के बाद वो रगड़ रगड़ के बजाएंगे आपके।
उनका पूरा मोटो ये होना चाहिए, रेडियो मिर्ची वाला यू नो, बजाते रहो, बजाओ बजाओ बजाते रहो, ये उनका मोटो होना चाहिए, क्योंकि ये बजाने का पूरा प्रोग्राम बना रखा है। अब ये मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि इनका प्रोग्राम क्या है। तो पहले एक बार एक दो उनके एडवर्टाइजमेंट्स पढ़ लेते हैं, दिखाते क्या है, मॉल है, मॉल में वो आपको क्या बेच रहे हैं, स्कैम, उनका जो स्कीम है, स्कीम या स्कैम बोलो, स्कैम ही बोलो, क्योंकि इसके स्कीम, ये स्कीम तो स्कैम ही है, आप ख्याली पुलाव खाते रहोगे। इनका स्कैम क्या है, ऐसा है, देखो भाई हम है ना, हम आपको बहुत प्रॉफिटेबल स्पेस बेच रहे हैं, बहुत प्रॉफिटेबल, और देखो भाई तुम ना, तुम तो अनाड़ी हो, तुम तो लिख के कह रहे हो कि मैं अनाड़ी हूँ, और उनका पेपर और कैसे ही कह रहा है कि मैं कहता हूँ कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं अपने प्रेमिसेस को भाड़े पे लीज पे नहीं चढ़ा सकता हूँ, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करके कह रहा हूँ कि प्लीज़ मेरी जो दुकान, दुकान नहीं है, स्पेस, अब वो भी बड़ी अजीब बात है, मेरा जो स्पेस है आप उसको किराए पे चढ़ा दो, उसके लिए किराएदार ढूंढो, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है, साइंड मेरा नाम। ये टाइप का अनाड़ी वाला पेपर वर्क वो आपसे करवा रहे हैं। फिर वो कहते हैं भाई देखो तुम ना इतने स्पेस के ओनर हो जाओगे, एक टाइप पे, एक साइड पे कहते हैं वो ओनर नहीं है, यू सब लेसी हो, हम आपको लीज डॉक्यूमेंट साइन करवा रहे हैं, और फिर ना आप वो लीज का जो स्पेस है, वो स्पेस है, वो खुला स्पेस है, उसके वो चार दीवारी के अंदर का स्पेस नहीं है, यानी मैं आपको दिखाऊं कि भाई ये टाइल्स है ना, ये 6 टाइल्स आपके हैं या ये 10 टाइल्स आपके हैं, और उसके बाजू के टाइल्स वो मिस्टर खन्ना के हैं, और उसके बाजू के टाइल्स जो हैं वो मिस्टर चिदंबरम के हैं, ये टाइप से मैं आपको समझाऊँ ना, ये टाइप का प्लानिंग है उनका कि भाई ये 10 टाइल्स जो हैं, ये दस टाइल्स आपके हैं, आपके नाम पे हैं, ये 10, ये एक यूनिट है, और ये जो चीज़ है हम आपको देंगे लेकिन पोजेशन नहीं देंगे, हम आपको पोजेशन नहीं देंगे, तो क्या देंगे, वर्चुअल पोजेशन देंगे, वर्चुअल पोजेशन, अच्छा उससे भी आगे डीम्ड वर्चुअल पोजेशन देंगे, डीम्ड, तो डीम्ड वर्चुअल पोजेशन कहना मतलब ऐसे सोच लो कि वो कह रहे हैं काल्पनिक इमेजिनरी पोजेशन देंगे, अगर मैं ऐसे कहूँ आपको, मैं आपको काल्पनिक इमेजिनरी पोजेशन दूंगा आपका शॉप स्पेस का, तो आप कहोगे यार एक तो इमेजिनरी कह रहे हो मतलब काल्पनिक है, और काल्पनिक भी कह रहे हो, ये काम है, वो आपको ऐसा ऑफर दे रहे हैं कि आप है ना हमसे ये काल्पनिक इमेजिनरी स्पेस ले लो देविका सदर बाजार में, और वो अपनी प्रमोशन के लिए यूज़ कर रहे हैं फॉर सम रीज़न, वो रीज़न कारण क्या है मैं नहीं जानता हूँ, बीकानेर वाला नाम का जो आउटलेट है, फूड आउटलेट है, वो बीकानेर वाला के नाम से कि भाई हमने ना बीकानेर फूड्स को लीज दे रखा है, ग्राउंड फ्लोर पूरा उनको दे दिया है, अब जो है यहाँ पे तो चांदी चांदी है, यहाँ तो पैसे का फैक्ट्री है, नोट छपने वाला फैक्ट्री है, और यहाँ पे आप बुक कर रहे हो फॉर सम रीज़न बीकानेर वाला फूड्स को सामने रखा है उन्होंने। अब मैंने देखा ये बीकानेर वाला का कहीं इनके साथ कनेक्शन नहीं है, तो पता चलता है इनके साथ कनेक्शन दिखता तो नहीं है, बीकानेर वाला कहके गरम भजिए की तरह या गरम भुजिए की तरह या गरम जलेबी की तरह या जो भी वो बनाते हैं समोसे वगैरह, मैं तो मुंबई वाला हूँ, आप दिल्ली वाले हो, आपको पता होना चाहिए, वो जो भी बनाते हैं वो जैसे गरम गरम बिक जाते हैं ना, वैसे आपका, आपके जो प्रॉपर्टीज़ हैं लीज पे लग जाएंगे, और आप बैठे बैठे नोट छापोगे, सर आप सर बैठ जाओ, बस बैठो, बैठे रहो, कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको पैसे भेजते रहेंगे, ये टाइप का प्रोडक्ट प्रॉमिस है ये, यानी एक नंबर के गधे, एक क्वालिटी गधों के लिए बनाया हुआ प्रोजेक्ट है। अब इसमें
मैं मेन मेन बातें करूंगा कि ये क्यों इतना मैं क्रिटिसाइज इसे कर रहा हूँ, क्यों क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। आप कहोगे यार इसने इनके राइवल से पैसे ले रखा है क्या, तो मैं कहता हूँ भाई इसके बारे में जरा देखो और सोचो और समझो कि ये क्या है। एक बंदे ने मुझे फ़ोन किया, उसने कहा सर देखिए मैं यहाँ पे बुक करना चाह रहा हूँ और ये पेपर वर्क है। अब उसने बुक कर भी दिया होगा तो मुझे पता नहीं, और उसने उसका पेपर वर्क भेजा। वो पेपर वर्क है एप्लीकेशन फॉर्म कम रिक्वेस्ट लेटर फॉर बुकिंग अ नॉन लॉकेबल ब्रैक / लॉकेबल यूनिट विद देविका सदर प्रोजेक्ट एट सदर बाजार कुतुब रोड दिल्ली। एप्लीकेशन फॉर्म रेरा नंबर तो DL रेरा 2021P0001 2021 का शायद पहला रजिस्ट्रेशन नंबर था उनका 2021 का इन दिल्ली रेरा। तो इनकी इसके बनाने वाले कौन है, तो वो कह रहे हैं इट इज़ बीइंग डेवलप्ड एंड कंस्ट्रक्टेड बाय दिस कंपनी, और वो कंपनी का नाम कहते हैं, यानी आपको क्लियर कट नहीं कहते लेकिन आपको इम्प्रेशन आएगा ये वो जिस तरह से उन्होंने लिखा है। हाँ एक बार उन्होंने लिखा है मैसर्स हिप्टेज इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। आप यानी ये बना रहे हैं मैसर्स हिप्टेज इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड एक बार कह देते हैं फर्स्ट पैराग्राफ में, उसके बाद कहीं भी वो हिप्टेज का नाम नहीं है और बड़े बड़े अक्षरों में आपको यानी बार 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 यही दिखेगा मैसर्स देविका यूनिवर्सल लैंड्स प्राइवेट लिमिटेड। वो क्या है तो कन्फर्मिंग है देविका यूनिवर्सल लैंड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। मैसर्स हिप्टेज इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड जिसके ऊपर उन्होंने ऐसे छाप के आप न पढ़ो उस टाइप से बना डाला है वो दूसरा कंपनी है। रेरा के सामने बताया है कि प्रमोटर कौन है तो हिप्टेज है। अगर प्रमोटर हिप्टेज है तो ये देविका यूनिवर्सल लैंड्स प्राइवेट लिमिटेड कौन है, रेरा पे कहीं दिख नहीं रहा है। रेरा के अग्रीमेंट में भी आपको ये देविका यूनिवर्सल लैंड्स प्राइवेट लिमिटेड दिखेगा नहीं। लैंड जो लिया है उन्होंने लीज से लिया, लीज पे लिया है म्यूनसिपैलिटी से दिल्ली म्यूनसिपैलिटी से, वो उसके डिटेल में जाएंगे हम। तो ये देविका यूनिवर्सल के साथ आपका एप्लीकेशन फॉर्म क्यों हो रहा है पता नहीं, आपको भी पता नहीं मुझे भी पता नहीं। देविका यूनिवर्सल, देविका यूनिवर्सल हर जगह दिखेगा आपको। सेम ग्रुप है, प्रगति ग्रुप के दोनों कंपनीज हैं, उनके डायरेक्टर्स पूरे अलग अलग हैं, देविका के और हिप्टेज के डायरेक्टर्स अलग हैं और उनके रजिस्टर्ड एड्रेसेस भी अलग हैं। आप क्यों देविका यूनिवर्सल लैंड्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ पेपर वर्क कर रहे हो मेरे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन यह एप्लीकेशन फॉर्म में कई सारे खतरे के घंटी बजा के रखे हैं, ठन 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 बज रहे हैं। बहुत सारे पैराग्राफ्स ऐसे हैं इन देविका के पेपर में, यानी कि तो मैं इसे कैसे कहूँ, मैं कहूँगा रेरा पेपर वर्क एंड आउटसाइड रेरा पेपर वर्क, या फिर मैं कहूँगा नंबर वन का काम और नंबर टू का काम। जैसे हम नंबर वन पैसे और नंबर टू, या नंबर टू पे बुक्स एंड नंबर वन बुक्स कहते हैं ना, तो नंबर वन है हिप्टेज, हिप्टेज ऑफिशियल है, हिप्टेज का नाम रेरा में है एज प्रमोटर और उसमें एक अग्रीमेंट भी है, एक अलॉटमेंट लेटर भी है और वो ऑफिशियल है।
और उसमें सिर्फ हिप्टेज ही हिप्टेज है, ये देविका नहीं है, कहीं भी देविका नहीं है। दूसरा जो पेपर वर्क है वो नंबर टू है, नंबर टू के अंदर देविका ही देविका है। एक जगह पे आपको बहुत मुश्किल से हिप्टेज का नाम दिखाई देगा, हिप्टेज इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, बाकी सब देविका ही देविका है। रेरा के ऊपर उन्होंने बहुत कुछ नहीं बताया है, एक्चुअल का पोजीशन और रेरा का पोजीशन पूरा अलग है। आप रेरा पे देखोगे तो आपको लगेगा यार यहाँ पे कुछ है ही नहीं, उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया ही नहीं होगा, क्योंकि उनके डिक्लेरेशंस ऐसे हैं कि वो दिखा रहे हैं कि भैया यहाँ पे 0% काम हुआ है। और प्लान जो है, जो रेरा के ऊपर अपलोड करके रखा है, वो प्लान ब्लैंक है, अंदर से कुछ भी नहीं है, साइट प्लान को पूरा ब्लैंक करके डाल दिया है। सिर्फ ये कहते हैं कि भाई यहाँ पे रेलवे पार्किंग है, यहाँ पे रेलवे पार्किंग है, ये रेलवे लैंड है, न्यू दिल्ली रेलवे यार्ड है, इस तरह से रेलवे स्टेशन यार्ड के बारे में ही लिखा है, बाकी ब्लैंक है। आप कुछ नहीं समझोगे उनके लेआउट को देख के जो रेरा पे है, कुछ भी नहीं समझोगे। सिर्फ उसमें कुछ लिखावट है और वो सारा जो लिखावट है, द टर्म्स एंड कंडीशंस फ्रॉम सीओ शैल बी स्ट्रिक्टली, सीएफओ शैल बी स्ट्रिक्टली अधर्ड वगैरह वगैरह, ये सब ले लिख रखा है। तो रेरा पे आप क्या देखते हो? ज़्यादा कुछ नहीं देखोगे, बहुत कम देखोगे। रेरा पे वो कहते हैं लोकेशन इज मल्टी लेवल पार्किंग कम कमर्शियल कॉम्प्लेक्स एट कुतुब रोड दिल्ली, मल्टी लेवल पार्किंग कम कमर्शियल कॉम्प्लेक्स। रेरा पे आपको दिखाएंगे कि कुछ भी नहीं हो रहा है, परमिशंस के उनके, हाँ अजीब बात है। और एक अजीब बात मैं आपको बता दूँ, वैसे यार अजूबा ही अजूबा है, कितने अजीब बात बताऊँ। हर एक फ्लैट का, हर एक शॉप का, हर एक फ्लैट शॉप कमर्शियल गाला वगैरह रेरा में अपार्टमेंट माना जाता है। तो रेरा के साइट पे डिक्लेयर करना होता है कि आप कितने अपार्टमेंट्स बनाओगे और उसका साइज क्या होगा, और कारपेट एरिया से हटके उसके अलावा आप उनको एक्सक्लूसिव वरांडा बालकनी टेरेस क्या दोगे, कितना दोगे। तो एक रहेगा कारपेट एरिया जिसके ऊपर FSI गिना जाता है, और दूसरा रहेगा एक्सक्लूसिव बालकनी वरांडा टेरेस। ये सब आपको डिक्लेयर करना पड़ता है। तो इन्होंने क्या डिक्लेयर किया है रेरा पे, आज के तारीख में की बात कर रहा हूँ, आज के तारीख मतलब आज हम 18 जुलाई में बैठे हैं 2023। एज पर डेट नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स कितने हैं शॉप्स, एक जगह पे कह रहे हैं फ्लोर नंबर 0 पे 45 और फ्लोर नंबर 1 पे 39। उसका कारपेट एरिया क्या है स्क्वायर मीटर्स में, कारपेट एरिया ब्लैंक छोड़ा है, ब्लैंक कुछ भी नहीं है। एक्सक्लूसिव वरांडा बालकनी कितना दिखा रहे हैं स्क्वायर मीटर्स में, एक्सक्लूसिव वरांडा बालकनी 565 स्क्वायर मीटर्स दिखा रहे हैं, यानी अप्रॉक्सीमेटली 5800 स्क्वायर फीट, 5800 स्क्वायर फीट वो कह रहे हैं कि ये एक्सक्लूसिव बालकनी वरांडा है, लेकिन कारपेट एरिया क्या है, नथिंग, साइलेंस, कुछ भी नहीं है। नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स बुक्स कितने हैं, बुक्ड कितने हैं, जीरो, बुकिंग हुआ ही नहीं है कह रहे हैं। नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स अवेलेबल फॉर सेल सेम 45 39, पूरा यानी कुछ भी बुकिंग नहीं हुआ है। फिर आप देखोगे वो कंस्ट्रक्शन के बारे में ऐसे कह रहे हैं, वर्क कंप्लीटेड स्टेटस, एक्सकवेशन नो, ग्राउंड फ्लोर स्लैब नो, सेकेंड फ्लोर स्लैब नो, कुछ काम ही नहीं हुआ है कह रहे हैं। और जिस बंदे ने मुझे फ़ोन किया वो कह रहा है कि सर पूरा हो गया है, OC मिल गया है। मैं क्या समझूं, इससे मैं क्या समझूं। अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स फायर फाइटिंग ड्रिंकिंग वाटर, एमरजेंसी ड्रिंकिंग वाटर और रिन्यूएबल एनर्जी का स्टेटस, वो कह रहे हैं फायर फाइटिंग
का पूरा परमिशन है और आपको परमिशन मिल जाएगा चीफ फायर ऑफिसर का सर्टिफिकेट। ड्रिंकिंग वाटर कह रहे हैं नॉट अप्लीकेबल, ड्रिंकिंग वाटर या नॉट अवेलेबल पता नहीं, NA कह रहे हैं नॉट अवेलेबल। एमरजेंसी ड्रिंकिंग वाटर और एक आइटम है, कह रहे हैं नॉट अवेलेबल। रिन्यूएबल एनर्जी कह रहे हैं नॉट अवेलेबल। ड्रिंकिंग वाटर, एमरजेंसी ड्रिंकिंग वाटर नॉट अवेलेबल कह रहे हैं, तो फिर इनको परमिशन कैसे मिल रहा है यार? और उनका प्रॉस्पेक्टस, उनका ब्रोशर, उनका एडवर्टाइजमेंट सब अपलोड करना होता है कि वो क्या 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 एडवर्टाइज कर रहे हैं। इन्होंने वो अपलोड करना किया नहीं है रेरा पे। रेरा पे कह रहे हैं भाई हम जो भी एडवर्टाइजमेंट करेंगे, उनका लेटर है डायरेक्टर्स का, हम जो भी एडवर्टाइजमेंट करेंगे कानून के हिसाब से करेंगे, हम जो भी ब्रोशर्स करेंगे कानून के हिसाब से करेंगे, ऐसे लेटर दे रखे हैं। अलॉटमेंट लेटर देखते हो तो अलॉटमेंट लेटर उन्होंने हिप्टेज के नाम का बनाया है। यहाँ पर आप एप्लीकेशन फॉर्म में देखोगे तो हर जगह देविका सदर बाज़ार, देविका सदर बाज़ार, हिप्टेज का कोई नाम ही नहीं है। देविका एक अलग कंपनी है, देविका यूनिवर्सल लैंड्स प्राइवेट लिमिटेड और हिप्टेज इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड एक अलग ही कंपनी है, वो दोनों एक नहीं है, किसी भी सूरत में एक नहीं है। तो आप ऐसे सोच लो, मैं आपको इसलिए कन्विंस करना चाह रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि ये नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल टाइप का डीलिंग नहीं है। आप ऐसे सोचो कि आप मेरे साथ डीलिंग करना चाहते हो, आप समझ लो कि मेरे से मुझसे एक फ्लैट खरीदना चाहते हो, आप पूरा MOU पेपर वर्क सब करोगे मेरे साथ, क्रिश के साथ, अग्रीमेंट में लिखा होगा आप खरीद रहे हो मेरे बेटे से, क्रिश के साथ अग्रीमेंट, विराज क्रिश के साथ MOU पेपर वर्क, टोकन, बुकिंग अमाउंट सब कुछ, मेरे बेटे के साथ अग्रीमेंट, ये सौदा कैसे हो सकता है? जवाब है ये नॉर्मल सौदा नहीं है, ये चूतिया लोगों के लिए बनाया हुआ सौदा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके इंडिविजुअल पॉइंट्स, क्योंकि इसके इंडिविजुअल पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको खतरे में डालते हैं। उनके अग्रीमेंट मैं दोनों सोर्स डॉक्यूमेंट से आपको क्लॉजेस पढ़ के सुनाऊंगा। एक सोर्स डॉक्यूमेंट है उनका व्हाट्सएप वाला, या उनका जो यानी जो वो व्हाट्सएप पे घुमाते हैं, इंक्वायरी आती है तो वो पब्लिक को दिखाते हैं, ऐसे कह सकते हैं हाथी के दिखाने के दांत। तो दिखाने के दांत वाला जो डॉक्यूमेंट है वो एप्लीकेशन फॉर्म है, खाने के दांत वाला जो अग्रीमेंट है वो रेरा में है। मैं दोनों का रेफरेंस लेने वाला हूँ आपको समझाने के लिए कि ये डील क्या है। तो रेरा में उन्होंने अग्रीमेंट के अंदर लिख रखा है, और ये बात सच बोला है, उन्होंने बहुत सच बोला है। किस टाइप का सच मैं समझाऊंगा। उन्होंने कहा है द टोटल प्राइस इज नॉट एस्केलेशन फ्री, और फिर जो भी है लीगल लैंग्वेज, द टोटल प्राइस इज नॉट एस्केलेशन फ्री, किसी भी नॉर्मल अग्रीमेंट में पढ़ोगे आपको मिलेगा द टोटल प्राइस इज एस्केलेशन फ्री। अब इसका मतलब क्या होता है हिंदी में मैं समझा रहा हूं। आप और मैं सौदा करते हैं, कोई भी सौदा हो, ऐसे सोचो कि मैं आपको ये चेयर बेचने जा रहा हूं, मैंने आपको ऑफर किया 2000 रुपये में, आप कहते हो रीजनेबल करो क्रिश, 1500 में आपका और मेरा डन होता है। मैं कहता हूं द प्राइस ऑफ दिस चेयर इज नॉट एस्केलेशन फ्री। नॉर्मली क्या होता है 1500 में डन हुआ है तो 1500 में सौदा होगा और आपको चेयर मिलेगा। मैं ये कह सकता हूँ द प्राइस ऑफ दिस चेयर इज एस्केलेशन फ्री, मतलब मैं इसका प्राइस नहीं बढ़ाऊंगा एक्सेप्ट फॉर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट्स,
ट्रांसपोर्ट का जो होता है वो चार्ज करना पड़ेगा जो भी हो, इस तरह से मैं कह सकता हूँ, ये जायज़ है। लेकिन अगर मैं कहूँ द प्राइस ऑफ दिस चेयर इज़ नॉट एस्केलेशन फ्री, तो इसका मतलब ये होता है आपने मेरे से सौदा किया 1500 में, मैं आपको 1800 कह सकता हूँ कल, आपसे आज एडवांस ले रहा हूँ 500 रुपये, मैं आज एडवांस ले रहा हूँ, उसके बाद मैं कहूँगा सॉरी सर प्राइस बढ़ गया, 1500 नहीं आपको 1800 देने पड़ेंगे, आप 1800 दोगे फिर मैं कहूँगा हाँ यार प्राइस फिर से बढ़ गया, अब 2000 रुपये हो गए। तो इस तरह से मैं प्राइस बढ़ा सकता हूँ, ये इसके ये यानी दिस इज़ द मीनिंग ऑफ द टोटल प्राइस इज नॉट एस्केलेशन फ्री, और इन्होंने ये लिख रखा है, मतलब बिल्कुल सच है, क्योंकि आगे के पेपर्स जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि वो आपसे प्राइस ऐसे खींचना चाहते हैं, वो खींचेंगे जैसे द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ था ना, कि खींचते गए वैसे खींचेंगे, वो आपको नंगा करके रखेंगे, ये प्लानिंग है भाई। द टोटल प्राइस इज नॉट एस्केलेशन फ्री कहते हैं, तो ये कोई गलती नहीं है। उन्होंने अपने अग्रीमेंट में एक टेबल बना रखा है, सी हर एक अग्रीमेंट में सफाई के साथ लिखना होता है कि आपको कौन सा प्रॉपर्टी बेचा जा रहा है, फ्लैट नंबर सो एंड सो एड मेजरिंग सो मेनी स्क्वायर फीट कारपेट। एक अग्रीमेंट जो है, अग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट होता है, अग्रीमेंट का एक केंद्र बिंदु होता है, केंद्र बिंदु क्या है, वो चीज जिसके लिए आपने अग्रीमेंट बनाया है, हमारे एग्जाम्पल में ये चेयर, आप देविका सदार बाजार से क्या लेने जा रहे हो, आप स्क्वायर फीट लेने जा रहे हो, कारपेट एरिया लेने जा रहे हो, स्पेस लेने जा रहे हो, आपका प्राइमरी अग्रीमेंट क्या है, बिल्डर बायर अग्रीमेंट, कि मैं आपको स्पेस दूंगा, ऐसे होना चाहिए। वो कह रहे हैं भाई देखो ये हमारा गणित है, क्लियरली नहीं कह रहे हैं हम आपसे इतने पैसे लेंगे और हम आपको सो एंड सो फ्लैट देंगे जिस पे आप ताला और चाबी लगा सकते हो, और फ्लैट मतलब शॉप हो सकता है, किसी भी टाइप का स्पेस हो सकता है, लेकिन हम आपको देंगे और उसके ऊपर आपका ताला चाबी लगा रहेगा, पहले हम आपको चाबी देंगे और उससे आपका पोजीशन हो जाएगा और आप उस पे एंटर कर सकते हो अपने प्रेमिसेस में। ये उस टाइप का डील नहीं है, यहाँ पे एक टेबल है, उन्होंने टेबल बना रखा है, द टोटल प्राइस फॉर रिटेल स्पेस बेस्ड ऑन कारपेट एरिया इज रुपीज सो मेनी, और फिर वो कह रहे हैं ब्लॉक नंबर बिल्डिंग टावर कारपेट एरिया बिल्टअप एरिया सेल प्राइस वैट सर्विस टैक्स जीएसटी डिंग 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 डिंग। एक जगह पे लिखा हुआ है रिटेल स्पेस नंबर, हो सकता है वो नंबर दे देंगे आपको 212 नंबर, लेकिन वो नंबर को लेके आप करोगे क्या, क्योंकि वो जो डील ऑफर कर रहे हैं वो डील बड़ा अजीब है, वो डील ऐसा है कि भाई ये 10 टाइल्स यहाँ पे आप चलो रास्ते पे चलो, हाँ ये रास्ते में है ना, ये यहाँ का इतना एरिया है ना, यहाँ से यहाँ तक ये आपका यूनिट है, 212 नंबर का यूनिट है या 503 नंबर का यूनिट है या 23 नंबर का यूनिट, जो भी है अपने मन से वो कुछ कह सकते हैं। अब ये हुआ वो FSI बेचेंगे, वो इस तरह का अग्रीमेंट बना के रखे हैं कि उन्होंने जो कहा ना 45+39 रेरा में उन्होंने लिखा है 45 और 39, वो सच नहीं हो सकता है, मैं दावे से कह रहा हूँ वो सच नहीं हो सकता है, वो 45 लोगों को या 39 लोगों को नहीं बेच रहे हैं, वो कई सौ लोगों को बेच रहे हैं, और अगर वो कई हज़ार की संख्या में चली जाएगी तो मुझे कोई भी आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि आपको ख्याली पुलाव बेचा जा रहा है, आपको इमेजिनरी स्पेस बेचा जा रहा है, आपको वर्चुअल पोजीशन देने की बात कर रहे हैं, रियल में पोजीशन देने की बात नहीं कर रहे हैं, डीम्ड वर्चुअल पोजीशन देने की बात कर रहे हैं, डीम्ड वर्चुअल पोजीशन मतलब आपको पोजीशन नहीं देंगे। दोस्तों रेरा में जब ट्रांजैक्शन होता है ना, तो उसकी एक खासियत ये होती है कि कारपेट एरिया आपको मिलता है,
कारपेट एरिया को डिफाइन कैसे किया जाता है, इट इज़ एंक्लोजेबल स्पेस, और वो एंक्लोज किया हुआ होता है, उसके ऊपर उसके अराउंड चार दीवारी होती है, चाहे वो छोटा सा टॉयलेट साइज का हो या छोटा सा फ्लैट हो, वन रूम किचन हो, जो भी हो, जैसा भी हो, सिंगल रूम क्यों ना हो या फिर लग्जोरियस 5 BHK, बट जैसा भी है उसके बाहर के बाउंड्री वॉल्स होते हैं, दीवारें होते हैं, वो एक्सटर्नल वॉल्स कारपेट एरिया में नहीं गिना जाएगा, अंडर रेरा। और वो एक्सटर्नल वॉल के अंदर जो है वो आपका कारपेट एरिया है, और वो कारपेट एरिया आपको बेचा जा सकता है। लेकिन देविका सदर बाजार का जो स्कीम है, एक्सटर्नल वॉल है ही नहीं, नो एक्सटर्नल वॉल, जो आपको टाइल्स बेच रहे हैं। अब आपको लगेगा क्रिश इसमें दिक्कत क्या है यार, वो टाइल्स ही तो बेच रहे हैं ना, तो ठीक है ना, इतना एरिया ये मेरा हुआ, उतना एरिया वो किसी और का हुआ, वो कभी आपको पोजीशन नहीं देने वाले हैं उस जगह पे, वो टाइल्स पे। आपको अगर लगे कि चलो यार मैं छोटा सा एक ज्वेलरी शॉप डाल दूंगा या बेल्ट्स बेचूंगा, नॉट अलाउड। क्या बेचोगे? अरे हम जो अलाउ करते हैं वो बेचोगे आप, आपका है लेकिन हम बेचेंगे, आप नहीं बेचोगे। नहीं, क्या बेचना चाहते हो? फूड्स बेचना चाहते हैं, सिर्फ फूड्स बेचेंगे। अच्छा सर चलो मैं फूड्स का दुकान लगा लेता हूँ, मुझे मेरे जो भी स्पेस है 25 स्क्वायर फीट या जो भी है, 25, 50, 100, 200, 500 जो भी आप दे रहे हो ना दे दो, मैं यहाँ पे दुकान बना देता हूँ और मैं फूड्स बेचूँगा। चलो मैं डोसा बना के बेचूँगा, मैं मोमोज बना के बेचूँगा। नहीं, क्यों नहीं, वो है ही नहीं, वो हमारा स्कीम नहीं है। तो हमारा स्कीम क्या है? देखो ऐसा है, तुम इसका वर्चुअल पोजीशन ले रहे हो, यानी काल्पनिक पोजीशन ले रहे हो, उसके बाद तुम इस चीज़ को हमें लीज कर रहे हो। उसका लीज का कोई अग्रीमेंट नहीं, लीज का अग्रीमेंट नहीं है, अग्रीमेंट कुछ नहीं है। वो पहले जो एप्लीकेशन फॉर्म था ना उसमें सब कुछ लिखा हुआ, ये फालतूगिरी में मत पढ़ो। तो अच्छा लीज अग्रीमेंट मतलब आप, लेकिन आपको कहोगे यार मैं खुद लेसी हूँ, मैंने, मुझे सब लीज मिल रहा है, आपको गवर्नमेंट से लीज मिल रहा है, मुझे सब लीज मिल रहा है। हाँ सही है सर, मैं फिर आपको सब लीज कर रहा हूँ, लेकिन आप तो बिल्डर हो। हाँ सही है सर, तो आप सब लीज ले रहे हो, और आप सब लीज लेके मतलब आप क्या करोगे? हम उसे और लीज करेंगे, फिर से लीज करेंगे या रेंट करेंगे या जो भी करेंगे सर, आपसे क्या, आपको तो पैसे चाहिए ना, हम पैसे देंगे। अब पैसे कितने दोगे? पहले गारंटीड अमाउंट 12% रिटर्न आएगा, उसके बाद 9% रिटर्न आएगा थोड़े समय के लिए, उसके बाद भाई कोई गारंटी नहीं है, जो आएगा जो इनकम होगा वो मिल बांट के खाएंगे, बड़ी अच्छी फैमिली की तरह, जॉइंट फैमिली टाइप का सिस्टम है हमारा, हम बहुत बड़ा अच्छा सुखी समृद्ध जॉइंट फैमिली हैं, और हम सब सबको बांटेंगे पैसे। आप भी बैठे रहो, घर पे बैठे रहो, हम आपको पैसे बांटेंगे घर पे, हम आपको घर पे भेज देंगे, आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, आने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप आए और अगर आपने ये दुकान पे कदम रखा और वहाँ पे कोई और काम चल रहा है, किसी और का काम चल रहा है, और अगर आप वहाँ पे आपने हंगामा खड़ा किया ना सर कि ये एरिया मेरा है, ये मेरी जगह है, मुझे किराया नहीं मिल रहा है वगैरह वगैरह, सर सिक्योरिटी को बुला के धक्के मार के आपको बाहर फिकवा देंगे, गलती मत करना। ये टाइप का स्कीम है। अब इससे भी बढ़कर वो क्या क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जो प्राइस से आपको दिया हुआ है, ये जगह है वो नॉन इंक्लोजेबल है, आप ताला चाबी आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसके बाजू का स्पेस सब कंटिन्यूस है। एज पर रेरा ये हो ही नहीं सकता। अरे रेरा छोड़ो ना यार, इट इज नॉट पॉसिबल टू बी अ प्रॉपर ट्रांजैक्शन, ये सौदा नहीं है, ये ख्याली पुलाव बेचने का, ये इंद्रलोक में जमीन बेचने का काम है, ये चांद पे जमीन बेचने का काम है। देविका सदर बाजार आपको यह धरती पे जमीन नहीं बेच रहे हैं,
काल्पनिक स्वर्गलोक में आपको जमीन बेच रहे हैं, मत करो ये सब चुतियापा। ये अग्रीमेंट जो है, अग्रीमेंट में पूरी तैयारी कर रखी है कि आपका कौन सा यूनिट होगा, कहाँ पे होगा, किस जगह पे होगा। वेग बहुत वेग रहेगा। अब उससे आगे क्या क्या इसकी खूबियाँ हैं मैं आपको समझाता हूँ। देविका इंटरनेशनल, देविका यूनिवर्सल लैंड और हिप्टेज इंफ्रास्ट्रक्चर में से किसे आप जिम्मेदार ठहराओगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर आपको केस करना पड़ा, आप कर ही नहीं सकोगे। अगर आप केस करते हो, करने की दुस्साहस करते हो, ये अग्रीमेंट साइन करने के बाद, ये सब साइन करने के बाद आप देविका पे केस करोगे या हिप्टेज पे केस करोगे, आप समझ ही नहीं पाओगे कहाँ पे केस करें, किसके ऊपर केस करें। और ये कह रहे हैं कि हम डील बदल सकते हैं। इससे मुझे एक याद आता है, मेरे जवानी के दिनों में मैंने एक मोटर बाइक खरीदा, मिनी बुलेट, सेकेंड हैंड में खरीदा था। और मैं ले जाता था एक गैराज वाले के पास, मुझे पता नहीं थे और गैराज वाले कितने थे, यानी मैकेनिक्स, तो मैं एक मैकेनिक के पास ले जाता था। मुझे शक था कि वो मैकेनिक पेट्रोल चुराता है मेरे टैंक में से। कई बार उसने मेरे टैंक में से पेट्रोल चुराया था, और जब मैं बाइक लेके निकलता था तो थोड़ा बहुत टैंक में डाल के रहता था, और फिर वहाँ से निकलता था तो दोबारा मुझे टैंक फुल नहीं लेकिन 1-2 लीटर डालने पड़ते थे। अगर नहीं डालता तो टैंक एकाध किलोमीटर के अंदर खाली हो जाता था। लास्ट टाइम मैं उसके पास गया, मैंने कहा यार ये टैंक खाली हो रहा है, उसका नाम पता नहीं, अभी याद नहीं आ रहा है, महमूद भाई है ऐसा कुछ होगा। तो मैंने बोला यार ये टैंक खाली कैसे रहता है। वो कहता है नहीं सर, वो हम धोने वोने में लगाते हैं ना, पार्ट्स को धोना होता है तो पेट्रोल से ही तो धोते हैं। मैंने कहा ठीक है चलो, मैंने कहा कुछ और नहीं कर सकते। नहीं सर, आपके पार्ट्स को तो पेट्रोल से ही धोना पड़ेगा। ठीक है। और मेरे नज़र के सामने उसने पाइप का वाल्व ओपन किया और ट्र करके मेरे टैंक में से पैसे ये निकाले। मैं देख रहा हूँ कि ये आदमी कितना निकाल रहा है, और ये इंसान मुझसे कहता है, मैं बैठा हुआ था, वो खटिया वहाँ पे खटिए लगे हुए थे, खाट जो पुराने टाइप के जो रोप के बेड्स, तो मैं खटिए पे बैठा था, देख रहा हूँ यार ये खोल के, नल खोल के निकाल रहा है। और वो मुझसे कहता है सर आप कहीं जाओ ना। मैं कहता हूँ नहीं, मैं देख रहा हूँ, मैं बैठा हूँ। वो कहता है नहीं सर आप कहीं जाओ ना, आप कहीं जाके आओ। यानी चोरी कर रहा है, मेरे नज़र के सामने चोरी कर रहा है और मुझसे कह रहा है आप नज़र फेर लो। और मैं कहीं जाके आया और आने के बाद मुझे पता चला कि टैंक एम्प्टी था। तो ये उस टाइप का काम है, इस टाइप की चोरी है जहाँ पे वो कहते हैं सर हम करेंगे, हम चोरी करेंगे सर। वो कह रहे हैं इन क्लॉज 8 के देखो ऐसा है कि द अलॉटी अग्नि क्लॉज 7 उनके अग्रीमेंट, मैं ये सब शेयर करने को तैयार हूँ, आपको पेपर वर्क भेज दूंगा। किसी को भी डाउट हो मुझे फ़ोन करो या मुझे व्हाट्सएप करो, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8169471229, मेरा फ़ोन नंबर है 9821588114। मैं आपको ये पेपर वर्क भेज दूंगा, आप खुद देख लेना। मैं आपको लिंक भेज दूंगा, रेरा का लिंक भेज दूंगा आपको। मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या लिखा हुआ है, कहाँ कहाँ क्या क्या लिखा हुआ है। वो कहते हैं उनके देविका के पेपर वर्क में, मतलब नंबर 2 वाले पेपर वर्क में, द अलॉटी अग्रीज दैट द स्पेसिफिकेशन शोन इन द ब्रोशर पैम्फलेट एडवर्टीजमेंट्स एट्सेट्रा आर इंडिकेटिव ओनली। भाई ये तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए है, इसमें बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लेना, क्योंकि द डेवलपर में ऑन इट्स ओन प्रोवाइड एनी एडिशनल बेटर स्पेसिफिकेशन और फैसिलिटीज, हम उसको बेहतर बना सकते हैं।
और अगर हमने उसको बेहतर बनाया ड्यू टू टेक्निकल और एस्थेटिक रीजंस और ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स वगैरह, अगर हमने बेहतर बनाया तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा, तो हम बेहतर बना के प्राइस बढ़ा सकते हैं, और अगर प्राइस बढ़ाएंगे तो आपसे पैसा और लेंगे। यानी हम अगर कह रहे हैं हम 26 लाख ले रहे हैं आपसे, अब 26 लाख का 30 लाख हो जाएगा, 35 लाख हो जाएगा। ये एक होल बना रखा है उन्होंने कि भाई हम तो स्पेसिफिकेशंस दिखा रहे हैं, बढ़ा सकते हैं ना, रेट बढ़ा सकते हैं। और उनका डील ऐसा है, जब वो कह रहे हैं देखो पहले हम आपसे 32-33 लाख, एक डील में एक बंदे ने मुझे समझाया, उसमें ऐसा कुछ था करीब कि 32-33 लाख कुछ ले रहे हैं और 9-10 लाख रुपए अगले 2-2.5 साल में दे विल गिव इट बैक टू यू एज 12% इंटरेस्ट, 12% रिटर्न्स एंड 9% रिटर्न्स। तो 12% और 9% का टोटल करके किसी तरह से वो 9 लाख के आसपास आता है। यानी ऐसे सोचो कि 32 लाख है तो उसमें से 23 लाख हो जाएगा आपका प्राइस। अब वो आपको गिनवाएंगे कि देखो सर हमने तो ऑलरेडी रिटर्न दे दिया, 10% एवरेज रिटर्न तो हो गया ना सर, आप भरोसा करो ना, ऐसे ही रिटर्न्स आते रहेंगे। लेकिन आप ये नहीं सोचते हो कि ये तो उसने छुट्टा पैसा दिया। मैं अगर आपसे कहूँ कि आप मुझे 100 रुपये दो और मैं आपको 10 रुपये वापस देता हूँ, और मैं कहता हूँ देखो मैंने 10% रिटर्न दिए ना तुमको, मेरा प्रोजेक्ट ने आपको 10% रिटर्न कमा के दिया ना, अरे यार तुम्हारे ही 100 रुपये हैं, तुम्हारे ही 10 रुपये आए, सब कुछ तुम्हारा ही तो है, मैंने तुमसे 100 रुपया लिया, 10 रुपये वापस कर दिया और कहा देखो मैंने 10% रिटर्न्स। तो एक्चुअली प्राइस क्या है? प्राइस होना चाहिए 90 रुपये। 90 रुपये अगर प्राइस है तो आपको पता चलेगा आपका रिटर्न जीरो था। तो ये रिटर्न दिखाना मतलब ढोंग है, प्योर सिंपल ढोंग है, खेल है। तो ये लोग ऐसे कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई हम ऐसे करेंगे, ये रिटर्न देंगे और बढ़ा, अगर मैंने बढ़ा दिया तो 100 रुपये की चीज़, सेम सौदा, 100 रुपये की चीज़ मैं आपको 10% रिटर्न दूंगा, 90 रुपये की चीज़ हो जाएगी, 10% आपका रिटर्न हो गया ना पर साल। और फिर मैं कहता हूँ 10% मैं देता हूँ, लेकिन वो 100 रुपये की चीज़ नहीं रही, अभी 120 रुपये की चीज़ रही, अब 120 में से मैं आपको 10 या 15 लौटा दूंगा, 105 में रख लूँगा, यार 90 रुपये की चीज़ को मैंने 105 की चीज़ बना डाली। आप कहोगे क्रिश लेकिन रिटर्न बढ़ गया ना, 12% रिटर्न हो गया। अरे 12% रिटर्न नहीं हुआ, तुम्हारे पैसे वो वापस दे रहा है, छुट्टा दे रहा है, वो छुट्टे पैसे को तुम ऐसे नहीं, यानी वो गणित गिनवा रहा है यार, ये उल्लू बनाने वाला गणित है, ये सब गणित गिनवा रहा है। एनीवे, सो दिस वाज पॉइंट नंबर 7, जहाँ पे वो कहते हैं कि हम क्वालिटी बढ़ा सकेंगे और क्वालिटी या स्पेसिफिकेशंस या कुछ भी चेंज कर दिया तो हम आपसे ज़्यादा पैसे मांगेंगे सर, जाहिर सी बात है। और दूसरा वो कह रहे हैं द अलॉटी एक्नॉलेजेस दैट डेवलपर हैज़ रेडीली प्रोवाइडेड ऑल द इंफॉर्मेशन। देखो हमने आपको सब कुछ बता दिया था पहले, आपने जो भी सवाल किए थे सब उसका जवाब दे दिया था, और वो चीज़ पर आप साइन करोगे, वो पेपर पर आप साइन करोगे कि हाँ इसने सब कुछ मुझे बता दिया है। एक्चुअली कुछ नहीं बताया, गुमराह किया है। ये ब्रोशर में जो लिखा है, सेल्स ब्रोशर, एडवर्टीजमेंट, सब 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 बेकार है सर, और हमने आपको बता दिया है कि ये सब दिखाने के लिए है सर, ये सब सिंपल है सर, दिखाने के लिए है, ये मेन नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है सर, लिख दिया और आप साइन कर दोगे तो हो गया। तो ये एक पॉइंट उन्होंने डाल रखा है। फिर एक और पॉइंट कह रहे हैं, वो कह रहे हैं उनका एक पॉइंट नंबर 9 में, ये भी वो दिखाने वाले दांत में वो कह रहे हैं, यानी एप्लीकेशन फॉर्म में कह रहे हैं पॉइंट नंबर 9, आई अंडरस्टैंड एंड कंफर्म दैट डेवलपर में एट हिज सोल डिस्क्रिप्शन बी अलाउड टू मेक ऑल्टरेशंस, चेंजेस इन लेआउट, स्ट्रक्चर ऑफ एनी इंडिविजुअल और मल्टीपल शॉप्स एंड यूनिट्स, including but not limited to increase and decrease in area of any unit or shop or changes in external or internal structure, kuch bhi kar sakte hain,
वी विल नॉट रेज एनी ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट द सेड ऑल्टरेशंस और चेंजेस। आप साइज बढ़ा सकते हो, आप साइज बढ़ा दोगे, आप बोलोगे देखो हम आपसे ले रहे हैं 30 लैक्स या 32 लैक्स फॉर लेटर से 30 स्क्वायर फीट, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फिर वो कहेंगे सर 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 हमारा स्कीम चेंज हो गया, हम ना 60 लैक्स फॉर 60 स्क्वायर फीट दे रहे हैं, हमारे यूनिट साइज बढ़ गया सर, तो आपको अमाउंट भी बढ़ाना पड़ेगा, तो 60 स्क्वायर फीट दे रहे हैं सर। अब आपने ऑलरेडी टोकन दे रखा है, बुकिंग अमाउंट दे रखा है, सब कुछ कर रही है, वो जब्त हो जाएगा सर, अगर आप कैंसिल करते हो तो वो जब्त हो जाएगा। तो आप जो 30 लैक्स का सौदा समझ के गए थे वो हो जाता है 60 लैक्स। हमने एरिया भी तो बढ़ा दिया ना सर आपका। अरे एरिया कौन सा बड़ा है यार, ख्याली पुलाव है, मुझे दिखाओ मेरा एरिया कौन सा है, मैं वहाँ पे लिख दूँ कि ये मेरा एरिया है, मेरे नाम से लिख दूँ। नहीं सर, वो अलाउड नहीं है सर, ये है। और इसके बाद एक और एक मैं ये करता हूँ, प्राइस तो वो यूनिट का साइज़ बढ़ा सकते हैं, यूनिट का साइज़ कम कर सकते हैं, प्राइस चेंज कर सकते हैं, वो कहते हैं अपना क्वालिटी बढ़ाएंगे तो प्राइस भी बढ़ जाएगा, और वो कहते हैं आपका यूनिट अगर प्रेफरेंशियल लोकेशन में है तो हम प्राइस बढ़ा सकते हैं, अगर ऐसे पता चला कि ये प्रेफरेंशियल लोकेशन में है तो प्राइस बढ़ा देंगे। प्रेफरेंशियल लोकेशन क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रेफरेंशियल लोकेशन? भाई देखो ज़्यादा लोग इसको लेना चाहते हैं तो भाई वो प्रेफर्ड लोकेशन है, और आपको जो लोकेशन दिया है बेस्ट दिया है सर, तो वो बढ़ाएंगे, वो बढ़ जाएगा। अब क्यों बढ़ेगा? अरे क्यों बढ़ेगा मतलब लोग डिमांड है सर, डिमांड है। अब डिमांड उस पर बढ़ जाता है तो वो प्रेफरेंशियल लोकेशन हो गया, प्रेफरेंशियल लोकेशन हो गया तो उसका प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो कौन देगा? आप दोगे। 30 के 40 या 50 या 60 या 70 कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, और वो बात यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये जो डीम्ड वर्चुअल पोजीशन लिख डाला है। अब आपका आपको यहाँ बीच बीच में ना न्यू NDMC न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जिसके साथ कंसेशन अग्रीमेंट है, जिसमें वो हिप्टेज इंफ्रास्ट्रक्चर का उनके साथ अग्रीमेंट है, यह आपको याद दिलाते रहते हैं, तो आपके दिमाग में क्या होता है? अरे न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इसमें इन्वॉल्व है। न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने सिर्फ उन्हें परमिशन दिया है हाई लेवल ये पार्किंग बनाने के लिए, मल्टी लेवल पार्किंग बना के मॉल बनाओ कमाओ, उन्होंने और कुछ नहीं कहा है। वो इसमें शामिल नहीं है, न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इसमें शामिल नहीं है, आपके सौदे में शामिल नहीं है, लेकिन वीडियोस में इसके जो प्रमोशनल वीडियोस में इसमें इस तरह से समझाया जा रहा है कि सर न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इसमें शामिल है ना सर, तो हम थोड़ी ना चोरी करेंगे सर, और वो है ना सर बीकानेरी बीकानेर वाला का तो सर कितना अच्छा ये बिजनेस चलता है सर। एक तरफ NDMC दिखा रहे हैं, दूसरे तरफ बीकानेर वाला दिखा रहे हैं, उसमें आप चूतिए बन जाते हो। एक और बात, अगर आपने केस करने का दुस्साहस किया, अगर आपने कहीं भी कंप्लेंट किया, चाहे पुलिस हो, चाहे कंज्यूमर कोर्ट हो, चाहे सिविल कोर्ट हो, चाहे रेरा हो, कहीं भी कंप्लेंट किया, यहाँ पर वो धमकी दे रहे हैं, वो साफ भाषा में धमकी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपको पोजीशन नहीं मिलेगा सर, बहुत पोलाइट भाषा में कह रहे हैं, प्यारा सा भाषा में। पॉइंट नंबर 17 में प्यारी भाषा में, प्यार भरी भाषा में कह रहे हैं, वो ऐसे कह रहे हैं सर देखो ऐसा है कि अगर हमने आपको पोजीशन दिया तो इट विल बी डीम्ड, ऐसे सोचा जाएगा, ऐसे माना जाएगा कि आपके सारे कंप्लेंट्स सॉल्व हो गए। अब कैसे सॉल्व हुए भाई पता नहीं, कुछ भी सॉल्व हो गए, आपने वापस ले लिया होगा या हमने आपको सेटिस्फाई कर दिया होगा, कैसे भी वो सॉल्व हो गए। तो
तो अगर हम आपको पोजीशन देते हैं तो इसका मतलब कि आपके कोई कंप्लेंट्स नहीं है, और उसका उल्टा पहलू बड़ा प्यारा है कि वो कहते नहीं है, लेकिन मैं उसमें पढ़ता हूँ ऐसे कि ये इसका इंटरप्रिटेशन ऐसे होना है। उसका इंटरप्रिटेशन ये है कि सर जब तक आप कंप्लेंट वापस नहीं लोगे ना सर, हाँ हम आपको ये वर्चुअल पोजीशन भी नहीं देंगे सर, और रिटर्न्स कैसे देंगे सर आपको, हम रिटर्न्स भी नहीं दे सकते हैं सर, प्यार भरी धमकी। और एक धमकी है, और एक धमकी है, वो कह रहे हैं अरे इसमें यार धमकी ही धमकी है, कितने धमकी हैं, मैं और सुनाता हूँ। एक धमकी में वो ऐसे लिख रहे हैं, मान के चलो कि आपने ये एप्लीकेशन फॉर्म में साइन नहीं किया, आपने एप्लीकेशन फॉर्म साइन किया ही नहीं, आपने सिर्फ अग्रीमेंट साइन किया, तो आप ये सारे क्लॉजेस में तो बंधे हुए नहीं हैं आप, क्योंकि अग्रीमेंट जो है जो रेरा के वेबसाइट पे है वो थोड़ा बहुत क्लीन है, थोड़ा बहुत। अब मान के चलो आपने ये देविका के साथ ये एप्लीकेशन फॉर्म नहीं साइन किया, इसका इलाज है उनके पास। वो कह रहे हैं सर इफ एनी अदर पर्सन है साइन दिस एप्लीकेशन फॉर्म ऑन बिहाफ ऑफ माई बिहाफ, ऑन माई बिहाफ ही शेल बी प्रिज्यूम्ड टू बी ड्यूली ऑथोराइज बाई मी थ्रू प्रॉपर ऑथोराइजेशन पावर ऑफ अटॉर्नी रेजोल्यूशन एटसेट्रा। अर्थात मान के चलते हैं कि आपने अगर साइन नहीं किया ये एप्लीकेशन फॉर्म, और बिल्डर ने अपने ड्राइवर से या अपने सिक्योरिटी वाले से साइन करवा के ले लिया, या राह चलते किसी ऊबर वाले को बुला के साइन करवा के ले लिया, वो जो साइन है उसको ऐसे माना जाएगा कि आपने ही साइन किया है और आपने पावर ऑफ अटॉर्नी दिया है उस उबर वाले को या स्विगी वाले को। और अगर आप कहोगे मैं तो इसको जानता ही नहीं हूं, तो वो कहेंगे सर ये तो आपके तरफ से साइन हुआ है, आप कैसे नहीं जानते हो सर, आप ही तो जानते हो, हम कैसे जानेंगे सर, आपने ऑथोराइज किया है, आपके तरफ से ये साइन होके आया है। आप कहोगे मैं तो जानता ही नहीं हूं, मैंने कब साइन किया, वो कहेंगे नहीं सर आपको मानना पड़ेगा, ये क्लॉज पढ़ो, इसमें लिखा है कि जो भी इसमें साइन करता है वो ऑथोराइज्ड है, किससे, आपसे। मतलब आप साइन करो या ना करो एक ही बात है, एप्लीकेशन फॉर्म को आप साइन करो या ना करो वो साइन करवा लेंगे किसी स्विगी वाले से या किसी किसी से भी, और वो चिपका देंगे आपके ऊपर। अच्छा, पैसे मांगने के इनके पास बहुत सारे तरीके हैं, उन्होंने बहुत सारे तरीके बना रखे हैं, और पैसे कमाने के भी बहुत सारे तरीके बना रखे हैं। तो पैसे कमाने के और तरीके, अब आप ये प्रॉपर्टी जिसको आप अपना प्रॉपर्टी कह रहे हो, जो है नहीं ख्याली पुलाव, लेकिन ख्याली पुलाव का प्लेट आप बेचना चाहते हो, तो बेचोगे तो कैसे बेचोगे। ये कह रहे हैं कि अब आपको असाइन करना पड़ेगा, अब आप असाइन करोगे, असाइनमेंट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ द यूनिट बाय मी और अस शैल बी परमिसिबल एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेवलपर। मतलब अगर डेवलपर हाँ कहता है तो आप बेच सकते हो, और अगर वो कहता है नहीं मैं नहीं मानता हूँ तुम नहीं बेच सकते तो तुम नहीं बेचोगे। और अगर बेचना, अगर असाइन करना अलाउ करता है तो वो कैसे अलाउ करेगा, ऑन पेमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। वो कहेगा, बिल्डर कहेगा भाई ये असाइनमेंट ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन आपने कितने में बेचा, तो 45 लाख में बेचा, अच्छा तो ये 45 लाख में से मुझे 10 लाख दे दो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, और 3 लाख दे दो ट्रांसफर फी, और 1 लाख दे दो इंसिडेंटल। आप कहोगे यार मेरे पास 1 ही लाख बचता है,
वो सर आपका प्रॉब्लम है। यह एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आपने फिक्स कैसे किया? अरे सर आपने तो साइन किया है, क्लॉज नंबर 19 पढ़ो, वहाँ पे आप कह रहे हो कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट लगेगा और इसमें हिप्टेज भी आपको चार्ज कर सकता है या फिर देविका कंपनी आपको चार्ज करेगी। अब कौन चार्ज करेगा आपको पता ही नहीं है, कौन यहाँ पे क्लियरली लिखा नहीं है। हिप्टेज से वो कुछ भेजेंगे, एक बिल भेजेंगे, देविका से एक और बिल भेजेंगे, भेजेंगे बोलेंगे हिप्टेज का एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज, देविका का ट्रांसफर फी, आप जाओ लड़ो। ये और एक डेंजर है, खतरा है, और ये खतरा होने वाला है, ये आई एम श्योर। इसके बाद लोग मुझे फोन करेंगे कि मेरे साथ ये सब हो रहा है। आपको जो एरिया बेचा जाता है ना, वो एरिया को कहते हैं कारपेट एरिया। वैसे कारपेट एरिया के डेफिनेशन में आ नहीं रहा है क्योंकि एनक्लोज्ड स्पेस नहीं है, लेकिन फिर भी उसके लिए एफएसआई मिलता है। अब एफएसआई के बाहर जो स्पेस होता है, कारपेट एरिया के बाहर जो स्पेस होता है, उसको कहते हैं कॉमन एरिया। कॉमन एरिया पे अधिकार किसका? तो जो लोगों ने खरीदा है उन सब का कॉमन एरिया में अधिकार होता है, राइट होता है। आप अगर एक कमर्शियल प्रेमिसेस में, ऑफिस बिल्डिंग में कमर्शियल प्रेमिसेस लेते हो, कमर्शियल स्पेस खरीदते हो, ओके, ऑफिस स्पेस खरीदते हो, ऑफिस स्पेस के बाहर लिफ्ट के पास जो लॉबी है वो सब है, वो आपका कॉमन एरिया है, तो आप सबका ओनरशिप है उसके ऊपर, कोऑपरेटिव सोसाइटी को हैंड ओवर किया जाएगा पूरा बिल्डिंग। यहाँ पर लेकिन वो कह रहे हैं कि कॉमन एरिया इंक्लूडिंग एट्रियम एंड टेरेस, कुछ भी कहीं भी कॉमन एरिया में ये लोग स्टॉल्स लगवा सकते हैं, कियोस्क्स लगवा सकते हैं, टेनेंट्स को दे सकते हैं, किराएदारों को एग्जीबिशंस लगवा सकते हैं। मतलब आपको जितनी आमदनी मिलेगी, जिसमें से आपको शेयर मिलेगा, उसके अलावा भी वो लोग चलाएंगे, इसके अलावा। और आपको जो आमदनी मिलेगी, ऐसे सोच के चलते हैं कि बीकानेर वाले से के ही स्टॉल्स लगते हैं या दुकान लगता है आपके एरिया पे। अब ये बीकानेर वाला या जो भी हो, अपने रेवेन्यू के बारे में, अपने उसको हर महीने या हर साल कितना पैसा मिलता है वो आपको क्यों बताएगा? वो अपने कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स, अपनी कमाई आपके साथ शेयर क्यों करेगा? वो कमाई अपना बताएगा क्यों? देयर इज नो मैकेनिज्म। अच्छा, ये हिप्टेज या फिर ये देविका कंपनी, वो जो भी लीज रेंट जमा कर रहे हैं और वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपके बीच में, आपके अंदर, वो आपको अपना अकाउंट्स क्यों बताएंगे कि भाई हमने इतना कमाया है, इसमें से आपको इतना मिला है? वो व्यू भी नहीं बताएंगे। तो आपकी गारंटी क्या है कि वो आपके साथ फेयर शेयर कर रहे हैं? वो कहेंगे नहीं सर ऐसा ही है, 2% 3% मिलता है। पहले 12% 9% दिखा के आपको आकर्षित कर लिया, उसके बाद नहीं सर बहुत कोशिश करते हैं सर, लेकिन बिजनेस इज टफ, आप जानते हो रेंट रेट्स ऐसे ही हैं सर, 3% मिलते हैं, आपको चलाना पड़ेगा। नहीं चलाना है तो ठीक है सर, बेच के निकल जाइए। आप बेचने जाओगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस दे दो और ये दे दो ट्रांसफ़र फी। अरे भाई लेकिन मैं कुछ कमा ही नहीं रहा हूँ। सर वो तो आपका प्रॉब्लम है। अच्छा ये हुआ, अब इसके बाद भी वो पैसे, हाँ आप ये जो कॉमन एरिया के अंदर जो कियोस्क वगैरह लगाएंगे मॉल टाइप के सेटिंग के लिए, उसकी रेवेन्यू जो है, उसमें से जो आमदनी आती है, आप उसमें से आमदनी शेयर नहीं करोगे सर। आप वो रेवेन्यू के बारे में बिल्कुल नज़र नहीं उठा के नहीं देखोगे, वो आपका नहीं है सर, वो हमारा है, वो कंपनी का है। कौन सी कंपनी पता नहीं, देविका का या हिप्टेज का।
फिर ख़त्म हुआ? नहीं, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अब वो कह रहे हैं कि वो आपसे मेंटेनेंस सिक्योरिटी इन एडवांस लेंगे। किस लिए? भाई हम मेंटेनेंस सर्विसेज चला रहे हैं, देखो कॉमन एरियाज उनके, आपके कारपेट एरिया उनके कब्जे में है, लेकिन वो कहते हैं उसका मेंटेनेंस सर्विसेज के लिए पैसे लेंगे आपसे। उनके चार्जेस फिक्स्ड हैं या जो भी है, फिक्स भी नहीं है, उनके मन से। आपको कितना देंगे? उनसे, उनके मन से, उनकी इच्छा से, उनके स्वेच्छा से। आप बेचोगे उनकी स्वेच्छा से, बेचने पे चार्जेस लगाएंगे उनके इच्छा से। दो दो चार्जेस लगाएंगे, हाँ लगा सकते हैं। प्राइस इंक्रीज कर सकते हैं, कर सकते हैं उनकी इच्छा से। अब ये मेंटेनेंस सिक्योरिटी क्या है? मेंटेनेंस सिक्योरिटी ये है सर, ऐसा है आपको एडवांस में पे करना पड़ेगा। आप एडवांस में मेंटेनेंस भरोगे और हम आपको बिल देंगे। ये मेंटेनेंस का परसेंटेज क्या है? नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है, अग्रीमेंट के अंदर कहीं भी नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। यूनिट कॉस्ट का 1% है, 2% है, 5% है, 10% है, कैन बी एनीथिंग, लेकिन वो आपसे एडवांस में मांग लेंगे। और वो कह रहे हैं, वो उन्होंने दोनों अग्रीमेंट्स में डाल रखा है, यानी वो देविका के नंबर 2 वाले अग्रीमेंट में, अलॉटमेंट में, सॉरी एप्लीकेशन में भी डाल रखा है, और अब ये नाम भी भूल रहा हूँ, हिपटेज के इंटरेस्ट उनके अग्रीमेंट में भी डाल रखा है कि अलॉटी शैल ऑलवेज मेंटेन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी डिपॉजिट एट ऑल टाइम्स बाय पेइंग द मेंटेनेंस एंड अदर ड्यूज ऑन टाइम। भाई इतने सारे आपसे चोरी करने का या आपके ऊपर डाका डालने का अरेंजमेंट किया है, अब तो उनका पेट भर गया होगा। अब तो यार ख़त्म करो क्रिश यार, 1 घंटे से ज़्यादा हो गया ये वीडियो, अब तो ख़त्म करो, अब तो यानी जो भी कहना था कह चुके हो ना? नहीं, और भी बाकी है। आपसे ये साइन करवा के ले रहे हैं, I shall have no objection in case the developer creates a charge on the project during the course of the development of the project by raising a loan from any bank or financial institution. However, such charge if created shall be vacated before offering the possession to me or us. ये पैराग्राफ है उनके 2 नंबर के, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म में देविका के साथ। तो कह रहे हैं कि भाई देखो बिल्डर ना, अच्छा नॉर्मल क्या होता है पहले मैं आपको ये समझा दूँ। नॉर्मल में ये होता है कि जब आप अग्रीमेंट करोगे एक बिल्डर के साथ, एक फ्लैट का अग्रीमेंट करते हो, तो एक टाइप का अंडरटेकिंग होता है कि इस प्रॉपर्टी को मैं अब गिरवी नहीं रखूँगा, क्योंकि प्रॉपर्टी अब तुम्हारे नाम पे है, अब मैं उसे गिरवी नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि मैंने अगर लोन लिया और डिफॉल्ट किया तो बैंक उसे कैप्चर कर लेगी, उसे कब्जा ले लेगी, तो मैं अब गिरवी नहीं रखूंगा। बिल्डर कहता है अब तुम गिरवी रख सकते हो होम लोन लेने के लिए, लेकिन मैं गिरवी नहीं रखूंगा, ऐसे कहता है बिल्डर नॉर्मली। लेकिन ये लोग नेक्स्ट लेवल हैं, ये लोग कह रहे हैं आपसे और आपसे लिखवा रहे हैं कि मुझे एक परवाह नहीं है कि बिल्डर मेरे मुझे असाइन किए हुए कारपेट एरिया को गिरवी रखे और गिरवी रखे और लोन उठाए, और लोन जब मुझे वो प्रॉपर्टी देगा तब वो, यानी पोजीशन जब देगा, पोजीशन मतलब वर्चुअल पोजीशन, कभी जिंदगी में आने वाली चीज़ नहीं है, जब वो वर्चुअल पोजीशन देगा तब गिरवी को ख़त्म करके लोन को रिफंड रिपे करके दिया तो ठीक है। तो आप देखिए आपसे कितना छूट ले रहा है बिल्डर। बेसिकली कह रहा है मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, इधर से भी ले सकता हूँ, उधर से भी ले सकता हूँ, हर जगह से लूँगा, और तुमसे तो यानी तुमको नोट छापने का मशीन बना देगा वो,
तुमसे पैसे लेगा, मेंटेनेंस सिक्योरिटी दे दो भाई, ट्रांसफ़र फ़ी दे दो भाई, एडमिनिस्ट्रेटर स्टेट्यू चार्जेस दे दो भाई, प्रेफरेंशियल, तुम्हारा लोकेशन प्रेफरेंशियल बन गया उसके पैसे दे दो भाई, तुम्हारे लोकेशन को हमने बेटर क्वालिटी बना दिया, मत पूछो कि हमने कैसे बेटर क्वालिटी बना दिया, और पैसे दे दो भाई। और बाद में हम भाई, हम जब देंगे हम अपनी स्वेच्छा से देंगे, हम आप हमारे अकाउंट्स को ऑडिट नहीं करोगे, हम आपको थर्ड पार्टी के अकाउंट्स ऑडिट करने नहीं देंगे, हम आपको आपके एरिया का कब्जा करने नहीं देंगे। और ये सब होने के बावजूद ये भी कह रहे हैं कि हम आपके प्रॉपर्टी को गिरवी रख के अगर लोन देने में फेल हो गए तो बैंक या जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो आएगा और आपके प्रॉपर्टी का कब्ज़ा कर लेगा, आपको ज़िंदगी भर में आपकी प्रॉपर्टी का कब्ज़ा नहीं मिलेगा और आप हमारे पीछे नहीं आओगे, हम फ्री हो गए भाई। और अगर हम आपको देते हैं तो भाई ठीक है, आप अपना नसीब समझो कि हमने लोन रीपे कर दिया और आपको दे दिया, ये डील है। इस टाइप का एक नंबर का बकवास डील है देविका सदर बाजार। आप मुझे आपके आपको अगर ये पेपर वर्क देखना है, इंटरेस्ट है, तो मुझे कांटेक्ट करिए, मैं पेपर वर्क आपको भेज दूंगा, देख लीजिए, आप वेरीफाई कर लीजिए मैं जो कह रहा हूँ सही है या गलत है। इस टाइप के डील्स में प्लीज़ जाने की गलती मत करना। मैं हूँ आपका दोस्त कृष्ण देवर्बन नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।